पहले आप सीख तो ले। हाय हाय, पहले आप सीख तो ले। क्या आ जाएगा? बहुत अच्छी आड़ थी आई। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं 5 पाकिस्तानी क्रिएटिव एड्स। तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने, जब रमजान का महीना चल रहा था, तब हमने रमजान वाले एड्स देखे थे और वो एड्स इतने ज्यादा इमोशनल थे और इतना अच्छा मैसेज था उनके अंदर कि मजा आ गया था, वो मजा आ गई थी वो वीडियो देख के। देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन से एड्स की बात की गई है और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। वाकई में कुछ एड्स ऐसे होते हैं ना जो आपकी जबान पे टिक जाते हैं, और आई थिंक हमने बहुत सारे ऐसे एड है जो अभी तक हमारे जुबानों पे टिके हुए हैं, और हम हमेशा उस चीज को जब भी खरीदने जाए ना, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड वो एड हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। तो चलिए देखते हैं, आज की इस वीडियो में हम पहली बार पाकिस्तानी क्रिएटिव एड्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओरियो, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? आए बाबा, आज मैं आपको बताऊंगी ओरियो खाने का तरीका। ओ, नहीं, सो क्यूट। ये बहुत डिफिकल्ट है। पहले ट्विस्ट करे ना, फिर लिख करे। यम यम, उफ, आपको यम नहीं करना। मैं छोटी हूँ ना, मुझे कंट्रोल नहीं होता। फिर इनको साथ लाए जैसा मुझे है करते हो, फिर दूर में दंग करे। अब बाबा की बारी? नहीं, क्यों? पहले आप सीख तो ले। हाय हाय, पहले आप सीख तो ले। क्या आ जाएगा? बहुत अच्छी आर्ट थी आई। सही, बहुत। ये तो बिल्कुल भी हो रही नहीं है। क्या? नो फन। अब इसे दिखाते हैं फन। यार तुम लोग कहाँ हो? नूर, हमजा, ये स्लैंगी चिप्स है ना? हाँ। ओके, अब बताइए डर लगा कि नहीं? कोल्सन स्लांटी, फन का क्रंची मेल्टी मजा। क्या बात है, थक गई हूँ मैं। I just hate my life. Here, Ariel. कुछ नहीं, तो मैडम के घर जाके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लाओ। क्या वाकई? जहर लगती है मुझे वो औरत। बॉस ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। ये रहा, आगे 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 आगे। बोलो ना, हम पार्किंग हैं, पार्किंग। ओके। कोई है? दरवाजा खुला है, क्या करूं? अंदर चली जाओ। ओके। हेलो। वो मैडम का घर देख के लगता है सुहेल सर की चमची होने का सही फायदा उठा रही है। वरना मैं भी कहूँ कि किरण जैसी सड़ू औरत और डायरेक्टर। तुम किरण के ऑफिस से आई हो? आई कॉल यू बैक। ओके जी आंटी, मैं किरण की कलीग हूँ। वो किरण? किरण तो लॉन्ड्री कर रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है। जी थैंक यू सो मच आंटी, मैं चलती हूँ। बॉस की चमची नहीं है किरण? नहीं, मेरा वो मतलब, वो तो बस एक माजूर माँ की मेहनती बेटी है। वो मेरी खिदमत करके थोड़ी सख्त मिजाज हो गई, लेकिन बेटा इसमें किरण का तो कोई कसूर नहीं। ये इमोशनल एड है थोड़ा सा। इस तरह के लेबल लगा रही हूँ। ओ फिजा, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना? मैं आज ऑफिस आ जाती पर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा हुआ तुम्हारी अम्मी से मुलाकात हो गई। सॉरी। अब चाय पी कर जाना तुम। किरण जी,
ओके लेबल्स आर टफर देन स्ट्रिंग्स बहुत अच्छा मैसेज मैं सोच रही थी अब तक हाँ एरियल की बात तो हुई नहीं ओके क्या बात चाहता तो हूँ पर कैसे बचाऊं कॉल्स के पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा एसएमएस के बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा कैसे बचाऊं यूफोन सुपरकार्ड से अरे यूफोन सुपरकार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ ना कोई रेस का हिसाब किताब ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे भी बचाओ अब लड़की को बचाता हूँ कहाँ गई? थैंक यू खुद ही नीचे आ गई ये अच्छी थी यार यू फोन की पैसे बचा रहे हो बीवी को नहीं बीवी को बचाया तो पैसे नहीं बचेंगे सॉरी आपका आपस का मामला है बीवी थी वॉशिंग मशीन कैनवुड अरे नासिर शर्ट तो बड़ी चमक रही है शादी हो गई है ना बट इस गर्मी में स्वेटर सर वो तबीयत नहीं ठीक टेक केयर आ गया मेरा बच्चा अस्सलामुअलैकुम बेटा इस गर्मी में स्वेटर अबू वो सुबह सर्दी लग रही है बेटा तबीयत तो ठीक है ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ थैंक यू ओके आइंदा शर्ट या तो थोड़ा टाइम रख के जलाना या फिर यहाँ कहीं नीचे से जला लेना क्योंकि इस महीने के बाद ये स्वेटर नहीं चलेगा अब इंसान की मशीन तो है नहीं जो परफेक्ट हो हमारी वॉशिंग मशीन कपड़े तो आपके चकाचक चमका देंगी हाँ अगर बीवी से कुछ जल जला जाए तो संभाल लेना इतनी प्यारी वीडियो थी यार ये बहुत छोटी वीडियो थी 6 मिनट की वीडियो थी पर उसके अंदर जो उन्होंने एड दिखाए सबसे पहला एड जो था वो ओरियो का उसमें उस लड़की की एक्टिंग बाप कमाल थी और इतने प्यार से वो अपने पापा को बिस्किट खाना सिखा रही थी मतलब मजा आ गया वो देख के और जो एक एरियल का एड था उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती मुझे लगा ये एड तो इतना इमोशनल हो रहा है इस पे एरियल कहाँ से आया और लास्ट में उन्होंने जो उसका एक मैसेज दिया कि इसका जो लेबल है ये ऐसा है तो जाके समझ में आया तो बट ओवरऑल सारे ही एड्स बहुत अच्छे थे मजा आ गया वीडियो देख के वाकई में अभी तक मेरी जो पर्सनल फेवरेट एड है वो सबसे नंबर वन पे है ओरियो क्योंकि वो लड़की इतनी प्यारी और इतनी बबली और इतनी अब वो एंजल जैसी लग रही थी और जिस क्यूटनेस के साथ वो अपने पापा को सिखा रही थी कि ऐसे ओरियो खाया जाता है आप पहले इसको खोलें इस तरीके से डिप करें और बाकी उसकी बातें जो है ना वो बच्चों की बातें ही कुछ अलग होती है स्पेशली अगर आप किसी भी कैरेक्टर में छोटे बच्चे में स्पेशली लड़कियों को देखें तो उनकी अदाएं बिल्कुल अलग होती हैं और उसके बाद जो सबसे लास्ट एड थी ये कैनवुड वॉशिंग मशीन की वो मुझे बहुत पसंद आई बहुत इनोवेटिव तरीके से उन्होंने इस एड को बनाया है तो वाकई में आज की 5 एड्स बहुत ज्यादा बाकमाल थी तो ठीक है गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय।